बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ये तो क्लास सिक्स का इंग्लिश बुक हम आज रीड करेंगे, जिसका चैप्टर 6.2 स्पीकिंग, जिसके अंदर डायलॉग है जैनब और नजमा के हवाले से, और ये दोनों आपस में बात करेंगे इंग्लिश में। सुनते हैं क्या कहते हैं। जैनब कहती है, टेल मी समथिंग समथिंग्स दैट यू कैन डू, कुछ बातें मुझे बताओ कि जो तुम करती हो। नजमा कहती है, I am learning how to cook. मैं सीख रही हूँ कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। I can cook rice. मैं चावल बना लेती हूँ, बना सकती हूँ। जैनब कहती है, That's great. ये तो बहुत अच्छी बात है। I can make tea. मैं टी बना लेती हूँ, बना सकती हूँ। नजमा कहती है कि I can also stitch my doll's clothes. मैं जो है अपने डॉल के कपड़े जो है ना सी लेती हूँ। डॉल समझते क्या है आप लोग? गुड़िया, ठीक है, गुड़िया के कपड़े सी लेती हूँ, नजमा कहती है, सही है। और इसके बाद जैनब कहती है कि एंड आई कैन प्ले टेबल टेनिस, इसके अलावा मैं टेबल टेनिस भी खेलती हूँ, ठीक है। नजमा कहती है कि आई कैन नॉट प्ले टेबल टेनिस, मैं टेबल टेनिस नहीं खेलती हूँ, बट आई कैन प्ले क्रिकेट, पर मैं क्रिकेट खेलती हूँ। जैनब कहती है, ओ आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, मैंने अभी तक जो है ना क्रिकेट नहीं खेला है, ठीक है। आई कैन नॉट होल्ड अ बैट, मुझे बैट को पकड़ना जो है ना पकड़ना आता ही नहीं है, मतलब मुश्किल लगता है उनको पकड़ना, सही है। नजमा कहती है कि इट्स ईजी, आई कैन टीच यू, ये बड़ा आसान है, मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। तो यही पैराग्राफ था जिसके अंदर जैनब और नजमा की आपस में बातचीत हुई। जैनब ने कुछ सवाल पूछे, नजमा ने कुछ जवाब दिए, सही है। इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ कम्प्लीट हुआ। तो अब आप मुझे बताइए इस पैराग्राफ में क्या हुआ था, खड़े हो जाए प्लीज बताएं। नजमा ने कहा कि मैं सही है, शाबाश। ठीक है, बैठो बैठो, शाबाश। आप बताओ पूछता ये चले, एक काम करते हैं आप लोग आपस में दो दो का ग्रुप बनाओ और आपस में डिस्कस करो पहले, ठीक है, उसके बाद फिर मुझे बताओ, सही है। विश यू ऑल द बेस्ट।